नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पूजा सिंघल का विवाद मानो दिन पे दिन एक बहुत ही हसीन मोड़ और हर तरह का मोड़ आते जा रहा है। आपको बता दें कि उनके व्हाट्सएप चैट से एक से खुलासे हो रहे हैं। उनके व्हाट्सएप चैट से कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और बड़े बड़े विधायक और मंत्री के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि विशाल चौधरी नामक व्यक्ति के घर में अशोकनगर में रेड पड़ा है और पैसे इतने निकले कि मशीन मंगवाने की जरूरत पड़ गई। आपको बता दें, विशाल चौधरी बहुत बड़े बड़े आईएएस और मंत्री के बहुत करीबी है और उनके घर से इतने पैसे मशीन तो मंगवानी पड़ी। इसके साथ ही जानकारी ये मिली है कि वो बहुत शौकीन थे। वो श्रीलंका स्विट्जरलैंड लगातार छुट्टी मनाने जाते थे और 2 साल में उन्होंने 3 करोड़ रुपए सिर्फ अपने विदेश यात्रा पे खर्च कर डाले। आपको बता दें, उनके लिए ऐसा कहा जा रहा था, खबरें थी सूत्रों के हवाले से, कि मोराबादी और नामकुम जैसे होता है वैसे उनके लिए श्रीलंका और थाईलैंड होता है। आप समझ सकते हैं आखिर इतने पैसे, इतनी अय्याशी किसके पैसों पे हो रही होगी। पूजा, इसके साथ ही अनिल झा और नीतीश केसरी जैसे नाम सामने आ रहे जिनके घर में छापे पड़े हैं। अनिल झा जो कि भगवती कंस्ट्रक्शन के मालिक है और साथ ही ओके फॉरेस्ट उनका कंपाउंड है जो कि बनकर तैयार हुआ है, उनके कार्यालय में भी छापा पड़ा है। ईडी सुबह से लगातार छापे मार रही है, फिलहाल छापा थोड़ा शांत हुआ है। इसके साथ ही आज पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट भी ले जाया गया पेशी करने के लिए। आगे क्या होगा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है खनन पट्टे लीज में, कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन के लिए थोड़ी राहत वाली खबर है। इसके साथ ही जनता का क्या राय है, जनता क्या सोचती है पूजा सिंघल के बारे में, ये हमने जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। पूजा सिंघल एक महिला है जो यूपीएससी करने के बाद यहाँ पर झारखंड में आई और ये जो झारखंड में आए, इसमें रांची जो है वो 5वां अनुसूची जिला है। तो इस 5वां अनुसूची जिला में जो यूपीएस आईएएस जो 7वां अनुसूची पड़ता है उसका 5वां अनुसूची में जो लागू नहीं होता है, लेकिन बहुत सदियों से न जानने के कारण से गलतवश 5वां अनुसूची जिले में आके शासन कर रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन करते हैं क्योंकि इस 5वां अनुसूची जिले में शासन प्रशासन और नियंत्रण जनजातियों के हाथ में है और जहां पर राज्य पर कार्यपालिका शक्ति जो 5वां अनुसूचित में विस्तार नहीं की गई है, तो पूजा सिंघल जैसा महिला या जो यूपीएस कंप्लीट करने के बाद 5वां अनुसूचित क्षेत्र में किस आधार पर काम करते हैं, यह संविधान का उल्लंघन है। और जहाँ तक हो सके यहाँ जो 5वां अनुसूचित जिले में सदियों से नहीं जानने के कारण जो सिविल सर्विस जो यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद लूटपाट करने के लिए आते हैं और यहाँ पर लूटपाट करके चले जाते हैं, और यहाँ पर जो पूजा सिंघल की बात है, जहाँ पर यहाँ 5वां अनुसूचित जिला पूर्ण रूप से 5वां अनुसूचित जिला है, इस जिला में पूजा सिंघल जैसा आदमी को जो घर और बनाना है वो मना करती है, या अनुच्छेद 19 में है, जिस कारण से हम सब आदिवासियों का जो यहाँ पर जो घर बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया है, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। एक बात बताइए, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, आप लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे अपने हक के लिए और वहाँ पूजा सिंघल ऐशो आराम कर रही है, इतने दिनों से करोड़ों रुपए घर में और भी अधिकारियों के घर में छापा पड़ रहा है, जब्त हो रहे, क्या कहेंगे? ये तो स्पष्ट कर देती है कि झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आईएएस अफसर की चरित्र क्या है, ये एक उदाहरण समझ में आ जाता है। ये स्पष्ट कर रही है कि हम कितने गिरे हुए हैं। हम आईएएस अफसर जरूर हैं, लेकिन हम लोग किस लिए आईएएस अफसर बने हैं, इसका एक उदाहरण देखने को मिल जा रहा है। ऐसे आईएएस के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ऐसे आईएएस के साथ में इन लोगों को तो सीधा सीधा जनता के नाम पर में जो छल किया है, जो लूट खसोट किया है, जो भ्रष्टाचारी का उच्चतम सीमा को पार कर चुका है, ऐसा लोगों को तो देश की नागरिकता को ही सबसे पहले ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही वहाँ पर कदम रखने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए इनको तो सबसे पहले कि नागरिकता ख़त्म होनी चाहिए। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये आईएएस बने ही बल्कि चपरासी भी बनने योग्य अब नहीं रह गई हैं। इनका नागरिकता सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। मैं यहाँ की सरकार से और केंद्र की सरकार से भी गुहार करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी लोगों को सबसे पहले नागरिकता ख़त्म हो। और एक बात बताइए, आप बताइए कि ऐसा क्या सजा मिले जिससे आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाले जो जनरेशन आईएएस बन के निकलेंगे वो डरे आगे करप्शन करने से? इसमें तो क्या बोले, अब सरकार जो सब आईएएस ऑफिसर या जितना भी बड़े बड़े अधिकारी हैं
सब पर मतलब ऐसे बहुत मिलेंगे लाखों करोड़ों में, जितना सब पर मैंने जांच हो और वैसे वैसे को कार्रवाई सजा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक यहाँ से मैंने अपना जो क्या बोलेंगे शांतिपूर्वक धरना जो दे रहे हैं। आप बताइए क्या क्या सजा होनी चाहिए कि आने वाला जनरेशन, देखिए आने वाला जनरेशन को इस बात को देख करके सबक ले लेनी चाहिए कि अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे साथ में भी ऐसा ही घटनाएं घटेगी और मेरे माने मेरा भी नागरिकता छीनी जाएगी। इसीलिए मैं बोला कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का सबसे पहले कि नागरिकता खत्म होनी चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी किसी भी कीमत में ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसा भ्रष्टकारी रणनीति बनाने में अपना विचार कभी व्यक्त न कर सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।